अच्छा तो अब्बू अम्मी किससे अटैच थे आप ज्यादा? मैं अपनी माँ से, माँ से बहुत ज्यादा अटैच था। अच्छा कोई ऐसी चीज जो अम्मी की याद आती है बहुत ज्यादा? अम्मी की याद किस किस चीज में नहीं आती। अम्मी हमेशा ऐसी जगह पे बैठा करती थी जहाँ से मैं घर से बाहर निकल जाता था, हमेशा वहीं बैठती थी सुबह सुबह, और मैं जैसे ही बाहर कभी कभार मेरा जल्दी में होता था ना, मैं भागने की कोशिश करता था, दूसरी आवाज मारती जुनेद साहब, तो मैं लौट के फिर वापस आता था। वापस आके बेटा कितनी हजार दफा बताऊंगा कि बताए बगैर मत जाया करो। फिर प्यार करती थी, प्यार करके मैं कहता अम्मा इस वक्त जल्दी के अंदर हूँ, आज मेरा दिल करता है कि अगर मेरी अम्मी जिंदा होती तो मैं कहता अम्मी मैं अब कहीं जाऊंगा ही नहीं, बैठा ही रहूंगा आपके पास। उस वक्त इतनी गदर नहीं थी, वो भागा हुआ आता था आके जल्दी से अम्मी जल्दी छोड़े, प्यार किया, खाना खिलाना, बेटा ये खा लो, निवाला देना, मतलब बिजी होते हैं। देखो मैं अपनी बीवी को एक बात का बड़ा क्रेडिट देता हूँ और मैं इस बात पे आज भी उसकी बड़ी कदर करता हूँ कि मैं उसको ये कहता था कि देखो सिर्फ मेरे से सब कुछ ले लो, मेरा ले लो, मुझे भी ले लो, सिर्फ दिन में दो वक्त का जो खाना होता है ना उसमें से एक वक्त का खाना मुझे अम्मी के साथ खाने देना बस। अच्छा अम्मी मारती भी थी? पिटाई स्टाइल करती थी? सही वाली थी, बिल्कुल सही वाली। क्यों, किस बात? मुगलानी थी ना, गुस्सा बहुत था उनके अंदर। ओ ओ ओ अच्छा। और अब्बू? अब्बू भी टिका देते हैं ऐसी कि तबीयत साफ हो जाए, यानी रज के लगे, रज के खाई है मारे, मजा आया है, इसलिए तो खाना खाने को दिल नहीं करता था, बहुत मारे खाई। अच्छा मुझे ये बताइए कि जब आपने ये जो सिंगिंग करियर ज्वाइन किया ये कैसे किया, हाउ डिड यू मीट रावलपिंडी, क्या एक्सपीरियंस था, शेयर विद अस। आई थिंक आई वाज वेरी लकी दैट आई मेट सम ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड म्यूजिशियंस इन द वर्ल्ड नॉट पाकिस्तान। वाओ। रोहेल, शहजाद, सलमान, शुएब मंसूर, नुसरत हुसैन और रिजवानुल हक, ये छह लोग तो इनिशियल लोग थे कि जिनको मैं शुरू के अंदर मिला, जिनसे मैंने म्यूजिक बनानी सीखी और गाना सीखा। सही, ठीक है ना? और they were your mentors. They all six were my mentors. सलमान एक वाइल्ड कार्ड था, ठीक है ना, उसकी सोच, वो he would think about the universe. Wow. ठीक है ना, आगे की वो एक ऐसी चीज बनाता था कि मैं कहता हूँ ओफ यार ये मैं कैसे गाऊंगा। अच्छा मिले कैसे, वो बताइए ना कैसे मिले, गाने की तरफ कैसे आए, अब्बू ने क्या रिएक्ट किया, अम्मी ने क्या कहा, फैमिली ने? मेरे दादा, मुझे याद है मरहूम ने मेरे अब्बा से कहा कि खुदा के लिए हम पठान लोग हैं, ये तुम्हारा लड़का क्यों हमारी इज्जत का मलिया मेट निकाल रहा है, हमारे तो गाना किसी ने जिंदगी में नहीं कभी गाया। वो तो मेरी खुशकिस्मती ये हुई कि मेरे अब्बा एज मिलिट्री अटैची रशिया चले गए। अच्छा। जिसकी वजह से कि मुझे टाइम मिल म्यूजिक गया। हाँ टाइम म्यूजिक बजाने का और सुनने का और गाने का मौका मिल गया। रोहेल शहजाद ने मुझे एक जगह पर, ऐसे यूनिवर्सिटी का हमारा प्रोग्राम हो रहा था तो उन्होंने मुझे एक जगह पे गाते हुए सुना था इस्लामाबाद में, जस्ट नॉर्मली जैसे नॉर्मली ऐसे। अच्छा। तो वो आए मेरे पास और मुझे आकर कहने लगे ये किस तुम्हें फटीचर से बैंड के साथ तुम प्ले कर रहे हो, तुम्हें तो हमारे साथ प्ले करना चाहिए। और मैं रोहेल शहजाद को उस वक्त एक म्यूजिकल जीनियस जाना करता था। मैंने कहा रोहेल शहजाद मुझे कह रहे हैं, नुसरत मुझे कह रहा है मेरे साथ प्ले करो, क्या बात। मैंने उनको बोला बाकी उनके यार भाई अल्लाह तुम्हें खुश रखे, आई एम गोइंग टू शिफ्ट, जाओ अपना काम करो तुम लोग, ठीक है ना, मेरी तो ट्रेनिंग होने लगी। हां बिल्कुल सही। तो मैं फिर दैट्स हाउ यू जॉइन। अच्छा सिंगिंग सीखी भी कि वैसे डायरेक्टली आ गए? देखो सिंगिंग सीखी कह सकते हैं आप, क्योंकि मैं उस वक्त के जो सिंगर्स थे ना उनको गाता था, मेहनत फिर मैंने बहुत की। क्या बात। सुहेल राणा साहब थे, उन्होंने हमें कहा कि मैं इतने अरसे से म्यूजिक कर रहा हूँ, ये जो फिनोमेना है ना आपके बैंड का, ये मैंने पहले कभी नहीं देखा। स्ट्रेंज। सुहेल राणा साहब के मुंह से इस तरह की बात। क्या बात। देन आई मेट आलमगीर, हमारा हीरो। क्या बात। ठीक है ना, मेरा हीरो मोहम्मद अली शेखी, माई हीरोज, योर आइडियल्स, माई आइडियल, तहसीन जावेद, ठीक है ना, इन तीनों को गाते गाते मैं बड़ा हुआ। अच्छा मुझे ये बताइए कि माशाल्लाह स्टिल यू आर फिट यंग, हाउ डू यू मेंटेन योर फिटनेस? फिट हूँ, यंग का पता नहीं, नहीं लग रहे हैं, कोई रिंकल नहीं है फेस पे, माशाल्लाह नूर है। बस ये है कि कोई बुरी आदत नहीं है, ठीक है ना, उससे माशाल्लाह ने बचा के रखा है, तो ये समझो कि मैंने अपने जिस्म को अब्यूज नहीं किया। ठीक है ना, आप जिस्म को अब्यूज ना करें तो आपका जिस्म
फिट ही रहता है, ठीक है। एक्सरसाइज का मुझे वैसे शौक है, गेम्स का मुझे वैसे शौक है, साइकिलिंग करता हूँ अगर मौका मिलता है तो, ठीक है ना। एक्सरसाइज करता हूँ, साइकिलिंग करता हूँ, रनिंग करता हूँ, और क्योंकि मैं स्पोर्ट्स बहुत एंजॉय करता हूँ। शादी लव मैरिज थी या अरेंज? शादी अरेंज थी, जो आने वाले वक्तों के अंदर लव मैरिज बन गई। मैं आपको एक बात पूरे वसूक से कह सकता हूँ कि आपको ऐसी दुकान पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में नहीं कहीं देखने को मिलेगी। बुटीक का बिजनेस जे डॉट माशाल्लाह वर्ल्ड वाइड, अल्लाह ताला ने आपको मजीद इज्जत दी, बिजनेस किया। मैकेनिकल इंजीनियर से एकदम आप टेक्सटाइल में कैसे आ गए? हाँ, वेरी इंटरेस्टिंग। एक्चुअली टेक्सटाइल्स में इसलिए आना हुआ कि मुझे आहिस्ता आहिस्ता ये फीलिंग शुरू हुई कि शलवार कमीज जो है वो एक सेकेंडरी ड्रेस है हमारे यहाँ। इसमें कोई बुराई नहीं है, मुझे इसमें ना एक 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 मार्केट नज़र आई। और मैंने टी जे एस को करते हुए देखा, तनवीर जमशेद साहब को करते देखा, अमीर अदनान को करते देखा, इन लोगों को मैंने शुरू में करते देखा, और मैंने कहा यार कि ये कर रहे हैं तो फिर डेफिनेटली इसकी एक बहुत बड़ी मार्केट होगी। सही। मुझे ये पूछना था कि एक जो आपकी लाइफ में चेंज आया, एक पॉप सिंगर अपनी एक लाइफ स्टाइल होता है, एक यो स्टाइल होता है, यू नो लोग फॉलो करते हैं, हार्ट थ्रोब, लोग पागल हो रहे हैं, टॉप पे पिनिकल ऑफ सक्सेस, देन यू सडनली डिसअपीयर एंड देन आप आते हैं तो आप जुनेद जमशेद एज रिलीजियस पर्सनैलिटी आते हैं, तो वो जो बीच का फेज था वो किसको, कौन आइडियल था आपका, किसने आपको इस तरह इंस्पायर किया? देखो, एक तो जिस जो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी ना, वो ये 9/11 के बाद जो मुसलमानों पर जो एक ये टेररिज्म की छाप पड़ी ना, इसने मुझे हिला दिया, स्पेशली कमिंग फ्रॉम द US। क्योंकि मैं तो अमेरिका, मेरा बहुत जाना होता था बिकॉज ऑफ म्यूजिक। अच्छा। और मैं अमेरिकन पब्लिक को बड़ी अच्छी तरह जानता भी हूँ और जानता था भी, और मुझे पता था कि ये तो बड़े रीजनेबल किस्म के लोग हैं, ये कैसे एक इतनी बड़ी पॉपुलेशन के ऊपर टेररिज्म का इल्ज़ाम लगा सकते हैं, जबकि मैं जानता हूँ मेरा दीन जो है एक बड़ा खूबसूरत दीन है। उसने मुझे हिला के रख दिया इस बात में, एंड आई रियली वॉन्टेड टू नो वॉट इस्लाम इज। तो फैमिली का क्या रिएक्शन था? Family was obviously confused. वो देखे ईरान के एकदम जींस पहनने वाला, टी-शर्ट पहनने वाला एक easy to go लड़का, और एकदम religious personality के बारे में एक impression है कि वो बहुत extremist हो जाते हैं, शिद्दत पसंद हो जाते हैं कि नहीं, do's and don'ts very clear. तो क्या ये फर्क आया लाइफ में आपकी personality? देखो सोफिया, अच्छा मैंने भी इस बात को रियलाइज किया कि एक जो एक जो एक impression है कि दीनदार लोग बड़े सख्त होते हैं, तो मैंने दीनदार लोगों में बैठना शुरू किया। दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड कि दैट इज रियली नॉट द ट्रूथ। आपका वो गाना जो था, एक गाना जो आपने लिखा और बड़ी उसकी एक बैकग्राउंड हिस्ट्री थी, तेरा और मेरा साथ, तुम्हारा और मेरा नाम, किसका नाम? तुम्हारा मेरा नाम किसका नाम? शुएब मंसूर के बोल थे, शुएब मंसूर ने उसकी शुरू की, जो अस्थाई थी वो बनाई थी, और जब भी वो पढ़ा करते थे, मैं अभी हमने उसको बनाया नहीं था, और मैं और वो काम किसी दूसरे गाने के ऊपर कर रहे होते थे और गुनगुना इसको रहे होते थे। अरे कि मैंने एक दिन शुएब मंसूर से, मैं शुएब साहब से कहा, शुएब साहब इसको तो करें ना। अच्छा, उस पर इसको कुछ करते हैं। सही।